मुर्गा और मोती। एक खेत की चारह दीवारी के पास एक मुर्गा दाना ढूंढ रहा था। दाना ढूंढता हुआ वह एक घास के ढेर के पास पहुंच गया, जहां उसे बहुत सारे दाने मिले। मुर्गा मजे से दाने खाने लगा। दाने खाते खाते वह इधर उधर देखने लगा। अचानक मुर्गा ठहर गया। उसने बिखरे हुए दानों के बीच कोई चमकीली वस्तु दिखाई दी। मुर्गे ने पास जाकर देखा और प्रसन्न होते हुए कहा, आहा, यह तो मेरे लिए है। घास के बीच छिपी उस चमकीली वस्तु को खोदकर उसने बाहर निकाला। वह एक मोती था जो दुर्भाग्यवश किसी से खो गया था। मुर्गे ने उसे उलट पलट कर देखा और फिर बोला, अरे ये तो कीमती मोती है, पर मेरे किसी काम का? किस काम का? मानव बेशक तुम्हें बहुमूल्य समझता हो, उसके लिए तुम मूल्यवान हो सकते हो, पर मेरे लिए तो जो था मकई ही अधिक मूल्यवान है। उससे पेट तो भरता है, मैं इससे लेकर भला क्या करूंगा? मोती को वहीं छोड़कर वह दाना चूमने लगा। शिक्षा: किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर होता है। थैंक यू।